चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चक्रवाती तूफान की। जी हां, चक्रवाती तूफान जवाब तेजी से उड़ीसा के पुरी की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ रहा है वो और भी ताकतवर हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि किसी भी वक्त तूफान पुरी और गोपालपुर शहरों के बीच टकरा सकता है। तूफान के ताकतवर होने का मतलब यह है कि नुकसान कहीं ज्यादा होगा, इसलिए एनडीआरएफ की 49 टीमों को तैनात किया गया है और समुद्र के पास का कई किलोमीटर का हिस्सा खाली करा लिया गया है। लोगों से कहा गया है कि जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी वो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां तूफान का असर ज्यादा होगा, लेकिन इनके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान है। बारिश भी होगी और तापमान में भी गिरावट आने का अनुमान जताया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जनक दवे का। जनक, खतरा लगातार उड़ीसा की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कहा है इस पर वैज्ञानिकों ने? देखिए रवि, जो जानकारी आ रही है मौसम विभाग की ओर से, अब खासतौर पर तटीय इलाकों तो रेड अलर्ट पर रखा ही था, चाहे जगतसिंहपुर कह लीजिए, पुरी कह लीजिए, यह तटीय इलाके जितने हैं उड़ीसा के, और उसके अलावा आंध्र के विशाखापट्टनम तक का इलाका है जहां पर ये साइक्लोन हिट होने की संभावना है। और लैंडफॉल, अब चूंकि साइक्लोन जो जिस तरीके से कर्व ले रहा है उससे ये मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इसका लैंडफॉल कल दोपहर के आसपास पुरी के पास होगा, यानी उड़ीसा में इसका खतरा बना रहेगा। और इसी के चलते मौसम विभाग ने अभी थोड़ी देर पहले ही कटक और भुवनेश्वर दोनों शहरों को भी ऑरेंज अलर्ट में डाल दिया है। तो न कि केवल तटीय लेकिन जो बीच में जो जिले हैं वहां पर भी इसका असर होगा, भारी बारिश होगी और अभी से कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। लोगों का इवैक्यूएट करना जारी है, लगातार वहां से तटीय इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। स्कूल्स बंद कर दिए हैं, तमाम सरकारी कर्मियों के सैटरडे संडे की जो छुट्टियां थी वो भी रद्द कर दी गई है। तो पूरी तरह से एहतियात, चाहे राज्य सरकार का उड़ीसा हो या आंध्र हो, वो पूरी तरह से इस साइक्लोन को लेकर ले रहे हैं। और जनक, क्या जो तटीय राज्य है सिर्फ वहीं पे असर होगा इस तूफान का, या फिर कहा जा रहा है कि बिहार, मध्य प्रदेश, इस पर भी इस तूफान का असर देखा जा सकता है? देखिए रवि, जिस तरीके जब ये साइक्लोन इस तरीके से आते हैं तो लैंडफॉल होने के बाद उसकी इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन जो बादल हैं या जिस तरीके की साइक्लोन का पोस्ट साइक्लोनिक असर जिसे कहें वो लगातार जारी रहती है। तो न कि केवल उड़ीसा इसके संपर्क में होगा, लेकिन उसके बाद आप ऊपर के हिस्से में भी चले जाएं तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक भी, पड़ोसी देश हैं, वहां पर भी इसका असर आने वाले सोमवार या मंगलवार तक को देखने को मिल सकता है। शुक्रिया जनक तमाम जानकारी के लिए।